नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार पौष माह की द्वादशी तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस पावन दिन पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना ज्यादा शुभ होता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन किन चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शुरू करते हैं पहली वस्तु तिल से। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव जी ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया था और इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने कहा था कि जो भी मकर संक्रांति पर तिल से उनकी पूजा या दान करेगा उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन तिल या तिल से बनी वस्तुएं ब्राह्मण को दान करने से शनि की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज है खिचड़ी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को खिचड़ी का भी पर्व माना गया है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन चावल व काली उड़द दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द दाल का संबंध शनिदेव से माना गया है और इसका दान करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है। तो वहीं चावल का अक्षय अनाज माना जाता है, तो इस दिन चावल दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गुड़ की। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड़ का दान करने से शनि, सूर्य और गुरु की कृपा हमेशा बरसती है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। तो ऐसे में मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने का महत्व भी और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन थोड़ी मात्रा में गुड़ को खाना भी चाहिए। आप गुड़ से बने लड्डू भी दान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं घी की। शास्त्रों में घी को सूर्य और गुरु के साथ जोड़ा गया है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से करियर में तरक्की होती है, साथ ही बिजनेस संबंधी सभी रुकावटें दूर होती हैं। बताते चले कि मकर संक्रांति के पर्व पर जरूरतमंदों को कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। इस दिन किसी आश्रम में या जरूरतमंद को कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव खत्म होने लगते हैं। आखिर में बात करते हैं नमक की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर नमक का दान शुभ होता है। इस दिन नमक का नया पैकेट दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, साथ ही तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।